हम रिव्यू करने वाले हैं एक और नई वेबफ्रिज का जिसका नाम है भावी 123। और दोस्तों ये वेबफ्रिज आपको रेविट ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों क्या होता है, भावी 123 जो है मारी के घर आती है और कहती है कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया है और उसे लगा दो। मगर क्या होता है, जैसे ही बुलाने आती है भावी का पैर फिसल जाता है जो मारी पर जा गिरती हैं और मारी भावी के ऊपर गिर जाता है। और उसके बाद क्या आती है, मारी की माँ आ जाती है जिसका नाम अनुराधा होता है। अनुराधा कहती है जा अपनी भाभी की मदद कर और इनके घर जाकर इनका सिलेंडर रखवा के आ। मगर क्या होता है, यहाँ पर जो अनुराधा जी होती हैं वो मारी से कहती हैं और भाभी का ख्याल रखना, सही से लगाना सिलेंडर को। मगर फिर ये मारी को अपने घर ले आ जाती है और जैसे ही भाभी बाल्टी उठाने वाली होती है, मारी कहता है भाभी आप चलो मैं बाल्टी उठा के लेकर आता हूँ। उसके बाद भाभी के घर आ जाता है मारी और सिलेंडर पे दोनों टूट पड़ते हैं। मगर क्या होता है, भाभी कहती है कि तुम इतना वजन उठा लोगे, मगर मारी कहता है भाभी ये तो कुछ नहीं, मैं आपको भी उठा लूँगा। उसके बाद यहाँ पर भाभी, मीनाक्षी और मारी आपस में सिलेंडर को कम और छेड़ाखानी करने लगते हैं और मारी की नज़र इनके दो थनों पर जाती है और यहाँ पर मारी इन्हें देखता रहता है। मगर क्या होता है, यहाँ पर मारी गिरने की एक्टिंग करता है और भाभी पे गिर जाता है। जैसे भाभी पे गिर जाता है तो भाभी और मारी ये आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। उधर क्या होता है, एकदम से ये खड़े होते हैं मारी और भाभी और सिलेंडर पे दोबारा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर क्या होता है, मारी जो होता है वो एक सीधा लड़का होता है और मगर सीधा कहाँ, वो भी यहाँ पर टेढ़ा होने लगता है। उसके बाद भाभी मुस्कराती है और कहती है कि आओ सोते हैं, मगर यहाँ पर मारी का दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाभी क्या कह रही हैं। उसके बाद मारी और भाभी का यहाँ पर आपको मिलने वाला है घपाघप सीन देखने का। उसके बाद मारी जो होता है भाभी के साथ स्टेप करने लगता है। स्टेप जैसे जैसे करता है वो भाभी को भी धीरे धीरे मज़े आने लगता है, भाभी के सारे अंगों को छूने लगता है और चूमने लगता है। मगर भाभी को भी यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा होता है तो इसलिए भाभी इसे कुछ नहीं कहती और यहाँ पर भाभी अपना फुल रोमांस करती हुई नज़र आएंगी। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो मारी और भाभी के स्टेप, मगर ये हकीकत नहीं होता क्योंकि मारी ये सब सपने में ही कर रहा होता है। जैसे ही मारी सपने में होता है तो इसके फादर आ जाते हैं और इसे बोलते हैं तो ये क्या कर रहा है, तो ये गंदी गंदी आवाज़ें क्यों निकल रहा है। तो इसके फादर इस पर बहुत गुस्सा होते हैं, बोलते हैं बदतमीज ये क्या हो रहा है, और एकदम मारी यहाँ पर घबरा जाता है। एक दिन क्या होता है, भाभी अपने पति के साथ रोमांस कर रही होती हैं और इनका पति जो है इन्हें चूम रहा होता है। तो इधर उधर जिस तरीके से चूम रहा होता है स्टेप बाय स्टेप, तो क्या होता है यहाँ पर मारी अचानक आ जाता है। तो मारी को देख कर भाभी और इसके हस्बैंड दोनों घबरा जाते हैं, तो मारी एकदम सदमे में रहता है, तो ये क्या हो गया। उसके बाद भाभी कहती है इससे, नो मारी जी कैसे आना हुआ हमारे घर, तो कहता है मम्मी ने आपको बुलाया है। उधर क्या होता है, मारी अपने फ़ोन में गंदी गंदी पिक्चर देख रहा होता है और जिससे भाभी के जो थन होते हैं ये उन्हीं को पर गंदी नज़र से देख रहा होता है। तो क्या होता है, इसकी मम्मी आ जाती है और बोलती है कि तू अपनी भाभी को बुलाकर नहीं आया कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो अचानक भाभी आ जाती हैं और बोलती हैं, जैसा कि मारी अपनी माँ को बताता है भाभी तो रसमलाई चाट रही हैं इसलिए भाभी थोड़े देर में आएंगी। और जैसे ही आती हैं तो मारी को इसकी मम्मी जो होती हैं वो चेक को दे देती हैं, तुम जाओ इसे चेक बना के लाओ। उधर यहाँ पर मीनाक्षी और उसके हस्बैंड का घपाघप वाला सीन चल रहा होता है। तो क्या होता है, ये वेबसीरीज बहुत ही अच्छी और रोमांस होने वाली है। आपको यदि ये वेबसीरीज देखनी है तो आप रेविट ऐप पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वेबसीरीज आपको कैसी लगी और आप हमें बता सकते हैं। यदि इस वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आई हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।